सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार चार युग होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी जो युग चल रहा है वह कलयुग है। युग का अर्थ होता है काल चक्र या काल अवधि। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताइए। हिंदू धर्म के अनुसार तीन युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है। और समय के चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब फिर सतयुग का आरंभ होगा। इसी तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। किसी भी युग का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन, आयु और उसमें होने वाले मनुष्य की ऊंचाई और उसमें होने वाले भगवान के अवतारों के बारे में जानना, जो युग परिवर्तन के बाद बदल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्रथम सतयुग। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होता है। इस युग में यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म का 4 भाग यानी कि 100% होती है। मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कूर्म जैसे अवतार लिए हैं। यह सभी अवतारों अमानवीय अवतार है। यह सभी अवतारों धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किया है। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज। इस युग यानी कि सत्यों के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे। और यह भी माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होते थे। इस युग की आयु 17,28,000 साल होती है। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ थे। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। चलिए इस युग के बारे में जानते हैं। दूसरा त्रेता युग। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ और यह युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है, जो कि काल चक्र के अनुसार धर्म का 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो जाता है इस युग में। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्म पद से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्म पद पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण का आतंक मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग से पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी की होती थी। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष होती है, जो समय अनुपात के अनुसार घट जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। इस युग के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।